अंतर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करी गैंग का पर्दाफाश, 40 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई। पुलिस अधीक्षक जनपद कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में व क्षेत्र अधिकारी खड्डा संदीप वर्मा के नेतृत्व में जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन में दिनांक 4 मई 2022 को थाना नेबू नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पिपरा बाजार निरंकारी तिराहा के पास से अंतरजनपदीय अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 60 छोटे बड़ी पैकेटों में कुल 40 किलो 700 ग्राम गांजा के साथ तस्करी में प्रयुक्त 2 अदद स्कॉर्पियो भी बरामद की। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर संबंधित धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त हरेश राम पुत्र नमी राम निवासी बंसी टोला थाना धना जिला पश्चिमी चंपारण, अंगद यादव पुत्र सुरेश यादव, सत्येंद्र कुमार पुत्र मूरत चौधरी, राजन यादव उर्फ राजल पुत्र सुरेश यादव आदि लोगों को इसमें शामिल होने की संभावना थी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान अभियुक्त गढ़ो द्वारा बताया गया कि हम लोग 2 स्कॉर्पियो से 60 छोटे बड़े पैकेटों में अवैध गांजा जो स्कॉर्पियो की स्टेपनी वाली जगह में चैम्बर बनाकर सभी दरवाजों के फाइबर को हटाकर उसमें छिपाकर पुनः दरवाजे को ठीक कर देते थे ताकि किसी को शक न हो, और दूसरे स्कॉर्पियो से संकेत देते हुए अवैध गांजा को हम लोग उड़ीसा से लाकर गोरखपुर में नेपाल से आने वाली बड़ी बड़ी पार्टियों को अच्छे दामों में सप्लाई करते हैं। टीवी इंडिया 18 कुशीनगर ब्यूरो चीफ ब्रिजेश कुमार पासवान। ये जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना नेबू नौरंगी की पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके क्रम में 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम हरेश, अंगद, सत्येंद्र और राजन है। ये चारों व्यक्ति उड़ीसा से गांजा लाते थे और उसको बिहार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों पर इसकी सप्लाई करते थे और इसको नेपाल ले जाने की भी फिराक में थे। इनके पास से करीब 41 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। इसके साथ में इनके पास से 2 स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई है, जिनमें ये गांजे की सप्लाई कर रहे थे। इस गांजे को ये कहां से खरीदते थे, किन गाड़ियों का उपयोग हुआ है, इनमें पासवर्ड्स कौन है, इनको बेचा जा रहा है, इन सबकी तफ्तीश पुलिस बहुत डिटेल में कर रही है। इसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा।